अस्सलाम वालेकुम। अब हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड सॉस सूप। हॉट हॉट मतलब स्पाइसी और सॉस मतलब खट्टा, यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने जो सूप बनाना है वो स्पाइसी भी हो और खट्टा भी। जब आप सूप पिए आपको स्पाइसी भी फील हो और आपके गले में खट्टापन भी फील हो। हॉट एंड सॉस सूप का ओरिजिन चाइना है, ये सुशवान कुजीन में शामिल होते हैं। बेसिकली जो इसके जो इंग्रेडिएंट है, जो चाइनीज लोग हैं वो इसमें मशरूम्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ब्लैक मशरूम्स और भी मशरूम इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी इसमें मशरूम्स नहीं शामिल करते। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं वेजिटेबल्स की कटिंग। सबसे पहले हमने ली है कैबेज, लेंगे हमें एक ही पीस चाहिए। इसकी जो हड्डी है इसको हम रिमूव कर देते हैं इसमें से। ये कटिंग कर रहे हैं कैबेज की, पेंडो स्टाइल में काट रहे हैं इसको। अब इसको हम कर लेते हैं स्मॉल डाइस। काटते हैं कैरेट, कैरेट को इस तरह हमने स्लाइस कर लेने हैं पहले से। इन्हीं स्लाइस को इस तरह हमने जूलियन स्टाइल में कट कर लेने हैं। अब जूलियन को हम कर लेंगे स्मॉल डाइस। अब करते हैं कैप्सिकम की कटिंग, काट लेने बोथ साइड। ये दरमियान में से इस तरह इसको कट कर लेने। इसको सारा काट के इसमें से ये व्हाइट खत्म करते हैं। ऑल डाइस बना लेने। एक जूलियन या बेटोनेट स्टाइल में काट लेते हैं इस तरह। अब हम बनाने लगे हैं हॉट एंड सॉस सूप। सबसे पहले इसमें डालते हैं ऑयल, ऑयल 2 टेबलस्पून। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते। अब इसमें हम डालेंगे बोनलेस चिकन और इसको करेंगे फ्राई, शैलो फ्राई। चिकन हमारा हो चुका है फ्राई, अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको करते हैं फ्राई स्टेक। जो हमने इसलिए फ्राई किया ताकि सूप के अंदर चिकन की स्मेल ना। शामिल करने लगे हैं हम तैयार शुदा स्टॉक। स्टॉक बनाने का मुकम्मल तरीका मैं इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जो घर में बनने वाला सूप है वो रेस्टोरेंट जैसा नहीं होता। मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपका सूप रेस्टोरेंट जैसा नहीं होता। उसकी मेन वजह आपका स्टॉक का प्रॉपर ना बनना। मोस्टली जो घरों में स्टॉक बनाई जाती है वो 20-30 मिनट में तैयार कर लेते हैं, जबकि जो प्रॉपर स्टॉक है वो 3 घंटे में तैयार होती है। इसकी मुकम्मल रेसिपी हमने इससे पिछली वीडियो में शेयर की है। हम डालने लगे हैं फ्राई चिकन, इसको कर दिया हमने कवर। इसको 5 मिनट के लिए बॉइल होने दें, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, कवर उठाते हैं और देखते हैं क्या सूखते होंगे। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, इसमें अब शामिल करते हैं हम चाइना सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून। शामिल करेंगे ब्लैक पेपर क्रश 1/2 टेबल स्पून। शामिल करते हैं चिली गार्लिक सॉस 1/2 कप। अच्छे से करते हैं मिक्स। अब हम शामिल करेंगे कॉर्न स्टार्च 2 टेबलस्पून। इसको हमने वाटरी बना के शामिल करना है। ड्राई शामिल करेंगे तो ये लम्स बन जाएंगे इसमें। शामिल करते हैं इसमें वाटर। कॉर्न स्टार्च हमारा वाटरी बन चुका है। शामिल करेंगे हम वेजिटेबल, सबसे पहले कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम। वेजिटेबल्स को स्टार्ट में हमने इसलिए शामिल नहीं की क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स को खड़ी रखना है। अगर हम स्टार्ट में शामिल कर देते तो ये सारी मैश हो जाती। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे कॉर्न स्टार्च जो हमने वाटरी बनाया, स्लो स्लो इसमें शामिल करना है और इस तरह इसको चलाते रहना। इस स्टेज पे शामिल करेंगे 1/4 कप सोया सॉस। इस स्टेज पर हम शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून विनेगर।
विनीगर इसमें इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि ये जैसे अपने नाम से ही पहचाना जाता है हॉट एंड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट खट्टापन विनीगर की मदद से लाया जाता है इसमें। इसको 2 मिनट के लिए कुक होने दें। दुनिया के तमाम सूप, सिर्फ 2 सूप को निकाल दें, बाकी तमाम सूप स्टॉक से ही बनते हैं। कंजोमे और मूली घटानी ये 2 सूप हैं जो स्टॉक से नहीं बनते, बाकी तमाम सूप स्टॉक की मदद से ही बनाए जाते हैं। अभी से ही बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और हमारा बड़ा ज़बरदस्त सूप बनने जा रहा है। इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसमें एग। हमने 2 एग शामिल करने हैं। 1 एग इस तरह डाल के 5 सेकंड के लिए छोड़ देना है और 5 सेकंड के बाद इसको चलाना है ताकि इसमें जंग बने। अब 1/2 एग दोबारा डालना है और स्पीड से इस तरह चलाना है। अब हमने जंग नहीं बनाने। इस स्टेज पर हमने शामिल करना है साल्ट, साल्ट टू टेस्ट। तकरीबन हमारा सूप तैयार हो चुका है। जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो तैयार हो चुकी है, ना ही ज़्यादा ये ठीक है और ना ही ज़्यादा वाटरी है। हमें इस तरह का ही सूप चाहिए। सूप हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब तो इससे दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब हम करने लगे हैं इसको टेस्ट। वाओ, बहुत कमाल का, स्पाइसी भी है और खट्टा भी है, गले में लग भी रहा है जिस तरह का बताया है हमने कि स्पाइसी भी होना चाहिए और गले को आपको फील भी हो के खट्टा बना है इसमें। बहुत ही कमाल का बना है, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।